नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पंजाब के नए सीएम की रेस शुरू हो चुकी है। अंबिका सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई सिख चेहरा ही होना चाहिए। विधायकों की भी यही मांग है। हालांकि दूसरी ओर सिद्धू ने भी अपना दावा ठोक दिया। इसके अलावा अगर जाखड़ के नाम पर मुहर लग जाती है तो 55 साल बाद पंजाब में हिंदू सीएम होगा। हालांकि हाईकमान जाखड़ पर राजी है तो वहीं विधायक इकट्ठे होकर के सिंधु पर अड़े हैं। कांग्रेस हाईकमान सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है तो इसका संदेश उन्हें भेज दिया गया है, जिसके बाद जाखड़ ने राहुल गांधी के गुण गाते हुए ट्वीट भी किया। दिल्ली से आए ऑब्जर्वर को यही बात कह करके भेजी गई। हालांकि सीएलपी की बैठक के बाद सिख चेहरे के रूप में सुखजिंदर रंधावा व नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी सामने आया। सिद्धू का नाम ज़्यादातर विधायक सहमत हैं, जिसके बाद शनिवार देर रात नाम पर और उसकी घोषणा को टाल दिया गया। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब में नए सीएम कौन होंगे, इसको लेकर के कांग्रेस में मंथन जारी है। अंबिका सोनी ने सीएम बनने का ऑफर भी ठुकरा दिया। उन्होंने पार्टी को ये सुझाव दिया कि पंजाब में कोई सिख चेहरा ही सीएम के लिए होना चाहिए। सोनी ने पार्टी को चेतावनी भी दी कि ऐसा नहीं हुआ तो पंजाब में कांग्रेस बिखर सकती है। सोनी के इनकार के बाद अब रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके करीबी सुखजिंदर रंधावा तथा सुनील जाखड़ चल रहे हैं। रंधावा इसमें सबसे आगे हैं। वहीं मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान के ऑब्जर्वर अजय माकन, हरीश चौधरी और पंजाब इंचार्ज हरीश रावत नए सिरे से विधायकों को फोन कर फीडबैक ले रहे हैं। इसके साथ ही उनसे पूछा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं। इस बीच कांग्रेसी विधायक परविजिंदर पिंकी ने यह जवाब देते हुए कहा कि पंजाब सिख स्टेट है, इसलिए यहां पर कोई सिख चेहरा ही सीएम होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण के बाद अब सुखजिंदर रंधावा के घर विधायक इकट्ठा होने लगे हैं। हालांकि सुखजिंदर रंधावा ने ये कहा है कि सीएम पद की उनको कोई लालसा नहीं है। रंधावा ने सीएम चेहरा चुनने का अधिकार हाईकमान को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 2 या 3 घंटों में नए चेहरे की घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू और संगठन महासचिव प्रगट सिंह होटल में ऑब्जर्वर और पंजाब प्रभारी के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं अगर जाखड़ के नाम पर मोहर लगती है तो 55 साल बाद पंजाब में पहला हिंदू सीएम बनेगा। पूरे हालात को देखते हुए पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक को टाल दिया गया। अब कांग्रेस हाईकमान सीधे सीएम के चेहरे की घोषणा करेगा। पंजाब कांग्रेस के संगठन महासचिव और सिद्धू के करीबी माने जाने वाले विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि विधायक दल ने नए नेता को चुनने का अधिकार सोनिया गांधी को दिया है। अब फैसला वहीं से आना है। पहले यह फैसला शनिवार रात को ही विधायक दल की बैठक में होना था, इसलिए नया चेहरा चुनने का अधिकार सोनिया गांधी को देकर के प्रस्ताव को तुरंत ईमेल के द्वारा भेजा गया। इसके तुरंत बाद पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा था। हालांकि अचानक पंजाब के सिख स्टेट होने की वजह से सिख चेहरे की मांग भी उठने लगी। इसके बाद कांग्रेस सिद्धू और सिख चेहरे के चक्कर में फंस गई। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम के फार्मूले पर भी कांग्रेस का मंथन जारी है। सिख और हिंदू चेहरे के चक्कर में फंसी कांग्रेस के भीतर अब 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम फार्मूले पर भी विचार हो रहा है। अगर हिंदू चेहरे का सीएम बनाया जाता है तो फिर 1 जट सिख को और 1 दलित डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। अगर सिख चेहरे में सीएम बनाया गया तो फिर 1 हिंदू और 1 दलित नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस फार्मूले के जरिए कांग्रेस विधायकों व खासकर अकाली दल के 1 हिंदू व 1 दलित को डिप्टी सीएम बनाने के चुनावी वादे का भी तोड़ निकाला जा सकता है। हालांकि अंतिम मोहर विधायक दल की बैठक में ही लग पाएगी। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।